वेलकम टू माय चैनल ऐश्वर्या बुटीक। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो कि कुर्ती में रेडीमेड नेक बने हुए होते हैं, तो उसकी कटिंग कैसे करें। जैसे कि ये मेरी कुर्ती में रेडीमेड नेक है, ये देखिए, तो इस तरह से इसमें डबल में नेक है, तो हम इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसकी कटिंग कैसे करें। तो मैं आज आपको बिल्कुल आसान तरीके से ये बताऊँगी कि इसकी कटिंग कैसे करनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूअर, कुछ इस तरह से नेक बना हुआ है ये। तो ये नेक क्या होता है, कई बार यहाँ से भी ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, और कई बार भाई जैसे हमें चाहिए उतना भी नॉर्मल भी बना हुआ होता है। जैसे इसमें चौड़ाई है, इसमें 7 इंच है अंदर से जो चौड़ाई है, और हम रखते हैं मीडियम में तो 5 इंच, ये हैवी साइज है तो हम 6 इंच चौड़ाई रख लेते हैं नेक की। तो हम इतना चौड़ा नेक रखेंगे तो हमारे कंधे ढहेंगे, तो हमें इसमें से कम करना है, जो कि ये अंदर वाला नेक है, इसमें से हम कम करेंगे। कैसे, यहाँ से नेक से और यहाँ नेक से हम सेंटर से निशान लगा लेंगे 3.5 इंच पे, इस तरह से, और इस निशान को हमें यहाँ पर मिलाना है ऐसे। तो इस तरह से मिलाने के बाद हम देखेंगे नेक की लंबाई हमें कितनी रखनी है, कि इसमें नेक की लंबाई जैसे कि इसमें मैंने 6.5 इंच रखनी है, तो ये 7 इंच है, तो 1/2 इंच कंधे में जाएगा, तो हमारा 6.5 इंच तैयार रहेगा। और यहीं से ही हम लंबाई को माप लेंगे इस तरह से ही, ये देखिए, यहाँ पर लंबाई मैंने इसमें रखनी है 36 इंच, तो 36 इंच, तो इसमें मैंने 36 इंच रखनी है। जैसे कि इसमें हम लेंगे 37 इंच, तो 1/2 इंच कंधे में जाएगा, तो 37 इंच ले लेंगे। तो 37 इंच लेने के बाद ये देखिए हमारा यहाँ पर बचा है 4 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा है, कि हम तुरपाई जैसे फोल्ड करते हैं, और कई बार क्या होता है इसमें तो कुछ इस तरह से ये लेस लगी हुई है, तो यहाँ पर कढ़ाई भी होती है, तो उसका पता नहीं चलता कि हमें ये कैसे बनाना। तो इस लेंथ को हम यहाँ से कट नहीं करेंगे। क्या होता है कई बार यहाँ से लेंथ को कट कर देते हैं और उसको ऊपर ज्वाइंट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि बाई चांस हमें कभी लंबाई को बढ़ाना भी पड़ जाए तो हम यहाँ से खोल लेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर 37 इंच पर निशान लगाया इस तरह से, तो 37 इंच पर निशान लगाने के बाद तो इस लंबाई को हम जो ये लेस है इसको हम यहीं पर ही ले आएंगे इस तरह से, जैसे भी आपको जितनी लंबाई रखनी है उस निशान लगा के, और इसको यहाँ से ऐसे सिलाई से बिल्कुल पक्का कर लेंगे बारीक सिलाई लगा के, तो हमारा कुछ इस तरह से आएगा। तो हम इसको एक्स्ट्रा को भी कट नहीं करेंगे। तो ये आपको समझ आया होगा कि ये मैंने कैसे समझाया। तो यहाँ पर देखिए कुर्ती को हम कट कैसे करेंगे, कि यहाँ से इसको सेंटर से पकड़ेंगे इस तरह से, सेंटर से पकड़ने के बाद हम इसको ऐसे बिछा लेंगे इस तरह से। मैं इसको सेट कर लेती हूँ। अब ये देखिए कि इसमें करना क्या है, ये मैंने पिन से सेट कर लिया है, जैसे कि हैवी नेक होते हैं तो उसमें पिन लगा लें, क्योंकि पिन नहीं लगाओगे तो सेट नहीं होएगा। तो इस तरह से ये नेक की चौड़ाई यहाँ से हमारी आई है 3.5 इंच, तो डबल किया है। तो यहाँ पर नेक की चौड़ाई जैसे कि हमें रखनी है 2.5 इंच, तो यहाँ से हम 2.5 इंच पे ही निशान इस तरह से लगाएंगे, इस निशान को जो ये यहाँ से 1 इंच फैब्रिक बचा इसको हम छोड़ देंगे, तो ये हमारा 2.5 इंच पे यहाँ से आया, तो यहीं से हम ऐसे तीरा रख लेंगे इसका। तो तीरा रखा 6 इंच तीरा रखने के बाद यहाँ से पहले हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद यहाँ से हम आर्मोल का निशान लगाएंगे, जैसे कि हम सिंपल कमीज में निशान लगाते हैं वैसे ही निशान लगा लेते हैं। ये जैसे कि मैंने निशान लगा लिए हैं, और इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। ये मैंने निशान को लगा लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको नेक में समझाती हूँ, जो हमें ये एक्स्ट्रा है 1 इंच, तो ये नेक आएगा जहाँ से ये यहाँ पर, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से हमें कट नहीं करना, ये हम कट इसको ऐसे ही करेंगे जैसे कि हम कमीज को कटिंग करते हैं तीरे से। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ से, और जो हमारा ये क्रीज का सेंटर है यहाँ तक नेक लगाने से पहले हम इसमें एक टक्स डाल देंगे यहाँ पर, भाई हमारा नेक प्रॉपर आए जितना कि हमें चाहिए, तो यहाँ से हम टक से डाल देंगे इसमें, तो हमारा नेक जैसे कि हम यहाँ से पट्टी लगा के भी फोल्ड कर दे तो हमारा नेक इक्वल ही आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ से प्लेट डाल देंगे। तो आपको समझ आई, जैसे मैंने ये समझाया कि है रेडीमेड नेक होते हैं तो उसको कैसे कटिंग करना होता है कमीज को। तो ये आपको बहुत ही आसान से तरीके से मैंने आपको समझाया है कि कैसे कटिंग करना है। तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कटिंग कर लिया। ये देखिए
देखिए ये मैंने आपको समझाया है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये मैंने आपको कैसे समझाया कि बस यहाँ से कुछ नहीं करना, यहाँ से हम जैसे कि कमीज में प्लेट डालते हैं, यहाँ से लेके इस तरह से इसमें टक्स ऐसे ही डाल देंगे, और ये टक्स हमें यहाँ तक डालनी है जहाँ तक हमारा नेक खत्म होता है, ये यहाँ तक। तो यहाँ तक टक्स डालने के बाद तो फिर हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे, जैसे कि ये मैं आपको दिखाती हूँ कैसे टक्स डालेंगे। जैसे कि ये हमें इतने में टक्स डाल दी यहाँ पर इस तरह से टक्स डालने के बाद, और यहाँ से अब ये देखिए हमारा नेक जो कि ये चौड़ाई थी वो हमारी कम होगी, ये यहाँ से ये इस तरह से ये हमारी कम होगी। तो हम इसमें रेडीमेड नेक लगाएंगे जो कि बने बनाए हम बुकरम से लगाते हैं वो लगाएंगे, या हम कत्तर से बनाएंगे तो हमारा नेक बिल्कुल छोटा ही बनेगा कि ये चौड़ाई ज़्यादा नहीं रहेगी इसकी। तो इस तरह से ये इसकी लेंथ इस तरह से, जैसे कि आपके भी कोई भी जितना भी बड़ा साइज होता है नेक का तो उसको ऐसे ही कम करें, उसको सेंटर से ना काटें अंदर से, तो वो नेक फैलता है। तो उसको ऐसे ही प्लेट डालें पहले, फिर बाद में नेक लगाएं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।